गर्मियों की छुट्टियों के बाद अब स्कूलों में पुनः घंटियां बजेगी। प्रदेश भर में 9 अंगतुंग छात्रों को गणवेश पुस्तकें वितरण कर शाला प्रेसोत्सव कार्यक्रम मनाया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने निवास कार्यालय से विजुअल माध्यम से शाला प्रेसोत्सव कार्यक्रम में जुड़े। इस दौरान उन्होंने सुकमा जिले के सलवा जुडूम के दौरान ध्वस्त पुनः संचालित 97 स्कूलों के बच्चों को शाला प्रेसोत्सव पर खूब बधाई दी। उन्होंने कक्षा 5वीं के छात्र विवेको कोसा से चर्चा की और उसे खूब मन लगाकर पढ़ने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने छात्र के परिजन श्री मरकन मासा से चर्चा की। मासा ने बताया कि उन्हें स्कूलों के ध्वस्त होने पर बहुत दुख हुआ था। इससे गांव के सैकड़ों बच्चों का भविष्य अधर में चला गया था। उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी कि इन स्कूलों में फिर से बच्चों की हंसी गूंजेगी, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर उन्हें भरोसा था। आज उनके गाँव कारीकुंडम में पुनः शालाओं का संचालन हो रहा है और बच्चे अपना भविष्य गढ़ रहे हैं। उन्होंने बंद पड़े शालाओं का पुनः संचालन प्रारंभ करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उद्योग मंत्री कवासी लखमा एवं जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। नए बच्चों जो अभी पहली बार क्लास में एंट्री कर रहे हैं, उनके शाला उत्सव के अवसर को इतना स्मरणीय और स्वर्णिम बनाया है। आपके मोटिवेशन देने से और आपके इस तरीके से आगे बढ़ के इनको गले लगा के आगे बढ़ाने से इनकी हिम्मत बढ़ेगी और सुकमा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में बच्चे शिक्षा प्राप्त करके सुकमा जिले का नाम रोशन करेंगे, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे और साथ ही साथ इस क्षेत्र के विकास में भी भागीदारी निभाएंगे।